Hey friends, what's up? Myself Devansh Chittopedi, back with another video, and this time it's 11077 Jhelum Express. So friends, ये जो ट्रेन है ये पुणे स्टेशन से जम्मू तवी जाती है. आज हमारी जो जर्नी है वो अहमदनगर स्टेशन से डॉन स्टेशन के बीच में रहेगी. अभी हमारी करंट लोकेशन जो है अहमदनगर स्टेशन है. हमें वाटवा का WDM 3D दिया गया है लोकोमोटिव. ये इस ट्रेन को काफ़ी ह्यूज ऑफ लिंक मिला हुआ है. अदरवाइज इसका जो रेगुलर लिंक है वो होता है WAP 7, बट समहाउ आज इसको WDM 3D दिया गया है. तो चलिए आज की हमारी जर्नी शुरू करते हैं. आप देख सकते हैं 11045 दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो है अहमदनगर स्टेशन में अराइव कर रही है, जिसकी वजह से हमें अभी क्लियरेंस नहीं मिला है. एंड इट्स विथ सम पुणे WDM 3D अराइविंग इन अहमदनगर स्टेशन. 11457 इज द रोड नंबर ऑफ दिस लोकोमोटिव. एंड जो गाइस हमें दिया गया है वो है 111131. चलिए देखते हैं आज की हमारी जर्नी कैसी रहेगी एंड क्या क्या हमें क्रॉसिंग्स मिल सकेंगे. एंड गाइस आज की जो हमारी जर्नी रहेगी वो सिंगल लाइन रूट में रहेगी. एंड ये रूट है गाइस खंडेश रूट. अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप इसे बाय कर सकते हैं फ्रॉम मिस्टर रमेश महाजन जी. सो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमें सिग्नल मिल चुका है, तो 10 सेकंड और रुकते हैं फिर हॉर्न बजा के यहाँ से डिपार्ट कर देंगे. चलिए अब हटाते अपने ब्रेक्स और हॉर्न बजा देते हैं. एंड झेलम एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम अहमदनगर स्टेशन. गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं डॉन जंक्शन जो है यहाँ से 85.7 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक तो हम जाने से रहे, इतनी दूर हम कवर नहीं कर पाएंगे अपनी जो एक्टिविटी भी है. जहाँ तक भी हम 25 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर जा सकेंगे वहाँ तक ही हम अपनी एक्टिविटी कवर करेंगे. देखोगे आई गेस ये हमारा AC 2 कोच है. जी हाँ ये हमारा AC 2 कोच है. इसके पीछे जहाँ तक है AC 3 होंगे. एंड डोंट नो इसमें AC 1 है या नहीं इस ट्रेन में. आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से सीनरी लगाई गई है अहमदनगर स्टेशन में. एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन वैगन स्टैंडिंग आइडियल एट अहमदनगर स्टेशन भाई. कोई अपार्टमेंट खाली है तो हमें यहाँ पे सोने के लिए जगह मिल सकती है क्या? तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारे जो आधी रेक है जहाँ तक ये मेन लाइन में आ ही चुकी है. चलिए वेट करते हैं पूरी रेक का आने का, देन 100% थ्रॉटल पावर रखेंगे. ये जो सेक्शन है इसमें ग्रेडियंट काफ़ी ऊपर है कभी नीचे है, तो ब्रेकिंग्स वगैरह पे भी ध्यान देना पड़ेगा. सो इस एक्टिविटी में मैं ऑटो पायलट की हेल्प लूँगा.
वाओ गाइस यहाँ से सीन कितना अच्छा लग रहा है। एंड चलिए अपने जो क्लाउड्स हैं उनको थोड़ा सा जो उनका वाइटनेस है थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं एंड कलर सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे दीक्षा भूमि एक्सप्रेस जो थी वो भी अहमदनगर स्टेशन से चली गई और हम कौन सी है, हाँ हम तो झेलम एक्सप्रेस है यार। चलिए गाइस पूरी मेन लाइन पे अपनी ट्रेन आ चुकी है तो थ्रॉटल पावर इंक्रीज करते हैं और यहाँ से डिपार्ट करते हैं स्पीड में। और हमारा वर्टवर WDM 3D काफ़ी शानदार चगिंग करते हुए अरे यार ये धुआं कितना क्यों कर रहा है। चलिए अब अच्छा अब नहीं आएगा वो गायब हो जाएगा पूरा धुआं क्योंकि एक क्वांटिटी होती है ओपन रेंज की इस धुएँ को संभाल लेगी, जब वो एक्सीड हो जाती है तो ये जो स्मोक होता है उसको गायब कर देता है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हमारी जो ट्रेन की स्पीड है काफ़ी धीरे इंक्रीज हो रही है तो चलिए यहाँ से अब ऑटो पायलट की हेल्प लेते हैं। एंड ये लगाया ऑटो पायलट जी ने सीधा 100% थ्रॉटल पावर, मतलब भागेंगे सीधा 110 के पास क्योंकि 110 हमारी रेक है एंड इस सेक्शन की स्पीड लिमिट भी इतनी है। इस ट्रैक साउंड का क्रेडिट जाते हैं मिस्टर रमेश महाजन जी को। अरे 110 के किलोमीटर तो 105 के पास तो जाना चाहिए ऑटो पायलट को, 100 के करीब लगे तो इन्होंने हल्के कर दी स्पीड, मतलब बस इंक्रीज करने का कह रहा था मैं हल्की स्पीड, वरना अपनी ट्रेन की स्पीड तो अच्छी है 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड चल रहे हैं हम। भाई आज तो गजब कहर मचा दिया यार ऑटो पायलट का।
and encountering a curve on the Ahmed Nagar Don Junction stretch. वाओ गाइस, आज की जो कोच साउंड है वो मतलब धमाकेदार है यार। वाओ गाइस, आप देख सकते हो काफी मतलब स्पीड ग्रेडिएंट ये हमारा बहुत ऊपर है। अगर हम अपनी मैनुअली चलते तो जो हमारी स्पीड है वो 60-70 से ऊपर नहीं जा पाती, बट ऑटो पायलट जो है 110 के करीब ही स्प्रिंट को चला रहा है। Going to cross some station and it's sorry guys, don't know इस स्टेशन का नाम क्या होगा, अकलोनर में भी WDT4 ऑफ रतलाम शेड with BCNA rate standing in loop line of अकलोनर स्टेशन। एंड गाइस, ये आप देख सकते हैं हमारी लोकोमोटिव का पैसेंजर व्यू एंड हम इसे कैब व्यू भी कह सकते हैं। ये क्रेडिट फॉर दिस कोस्ट टू मिस्टर गौरव रेड्डी जी। अरे यार, अब हम बाहर हो जाएंगे, पीछे चलते हैं।
crossing 12627 Karnataka Express at Sarola station. वाओ गाइस, यहाँ पे सीनरी कितनी अच्छी से लगा रखी है। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में काफ़ी कलरफुल जो है फील्स हैं, एंड हमारी साइड्स में भी अच्छे से घास है और पेड़ वगैरह लगाए गए हैं। अरे यार, हमारी आगे 45 किलोमीटर पर आवर की लिमिट आ गई। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी एग्रेसिव रन रहा है यार हमारा वाटवा डब्ल्यूडीएम 3D के साथ गाइस। झेलम एक्सप्रेस जस्ट रिप्ड ऑफ द ट्रैक्स बिटवीन अहमदनगर एंड डॉन जंक्शन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, स्टिल हमारा जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी नीचे है, तो स्टिल मैं अभी जो है अपनी ट्रेन ऑटो पायलट से नहीं हटाऊंगा। जब तक भाई हमें सीधी ट्रैक नहीं मिलेगी तब तक हम चला नहीं पाएंगे गाइस, अदरवाइज हमें कभी ब्रेक्स लगानी पड़ेंगे, कभी टोटल पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो चीज़ तब सही है जब आप पूरा गेम पे ही फोकस कर रहे हैं, बट मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ एंड उसमें कमेंट्री भी ऐड कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड डोंट नो हमारे ये ट्रैक्स में शार्पनेस क्यों आ गई जो हमारा गेम का लुक बिगाड़ने बार बार आ जाती है। शुश, यहाँ से मतलब गाइस आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कभी भी मन करे कि आपको खंडेश रूट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं आपको यस जो ऑप्शन है उस पर 200% यस कहूँगा यार हाँ खरीद लो, कुछ तो है। बट ये नहीं कि मैं आपसे फोर्स कर रहा हूँ कि आप जाइए और ये रूट खरीदिए, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं एंड रूट का पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर रमेश महाजन जी को। इसमें कुछ और यूज़र्स ने भी हेल्प की है उनकी, एग्जांपल स्पीड रेस्ट्रिक्शन एंड एक्टिविटीज़ बनाने में। अरे यार, अब इतनी धीरे धीरे जाएंगे क्या?
वाह गाइस, यहाँ से हमारी जो ट्रेन है, अगर मैं 0% थ्रॉटल पावर भी रखता हूँ तो सेकंड्स के अंदर, मतलब एक मिनट के अंदर ही वो 100 की स्पीड पकड़ सकती है। ऐसा आप देख सकते हैं 1.3% जो है ग्रेडियंट नीचे दिखा रहा है। एंड ये हमारा AC3 का कोच व्यू, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं अपने डोर व्यू पे। भाई कब तक क्रॉलिंग कराओगे यार, अब तो अच्छी स्पीड में हमें जाने दो। अरे यार, हमारे ऑटो पायलट ने पूरे ब्रेक्स ही लगा रखे थे तो हमारी ट्रेन कैसे चल रही थी। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, अब हम अपनी ट्रेन अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं आगे रेड एंड येलो सिग्नल है, तो ऑटो पायलट क्या करेगा, वहाँ पे बिल्कुल स्पीड रिड्यूस कर देगा एंड चेक करेगा कि सिग्नल स्टेटस एग्जैक्ट क्या है, तब वो हमें लेके जाएगा आगे। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसा हम तो जानती हैं कि उस सिग्नल को हम क्रॉस कर सकते हैं तो अच्छी स्पीड में हम जाएंगे। बस ट्राई करेंगे कि ये जो ग्रेडियंट है इससे बच सकें और अपनी ट्रेन की स्पीड बचा सकें कि इतनी एक्सीड ना करें। ऐसे आगे हमारा रेड सिग्नल दिखा रहा है, डोंट नो व्हाई। ओके, सो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमें किसी लूप लाइन में डाला गया है। एक्चुअली देखते हैं क्या होता है। आई थिंक गाइस यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग्स होती हैं, यहाँ एक सीजर क्रॉसिंग के नाम से एक लूप लाइन्स रहती हैं और ये स्टेशन का नेम मैं भूल गया, तो नो कौन सा था। वहाँ पर हमें लूप लाइन में जाना होता है अपनी ट्रेन को, एक लूप लाइन में मतलब हम लेके जाएंगे आगे, वो डेड एंड होगा, देन जो भी ट्रेन हमारी आगे चल रही होगी वो वहाँ से क्रॉस हो जाएगी, देन हम अपनी रेक जो है वापस लेंगे, देन अपनी मेन लाइन पे आएंगे। जो भी मेरे ऐसे कहने से आप समझ नहीं पाएंगे, चलिए हम अभी जो करेंगे जो सीजर क्रॉसिंग हम प्रैक्टिकली उसे खेलेंगे अभी, तब आप देख लीजिएगा। ये भी एक वन ऑफ द यूनिक थिंग्स है ऑफ दिस रूट। वाओ गाइस, यहाँ पे कर्व काफ़ी सारे हैं, हमें कभी आगे जाना पड़ रहा है कोच में, कभी पीछे आना पड़ रहा है। चलिए अब स्पीड भी रिड्यूस कर लेते हैं, बस 25 किलोमीटर पर आवर की आगे स्पीड लिमिट लगाई गई है। देख सकते हैं ये रंजन गांव सीजर लूप है, सीजर क्रॉसिंग।
वाह वैसे यहाँ पर सीनरी मतलब A1 लगाई गई है। गाइस यहाँ पे हम ट्रेन ब्रेक्स यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अपने जो लोकोमोटिव के ब्रेक्स हैं वो यूज़ करेंगे। ऐसा आप सभी देख सकते हैं स्टिल जो हमारा ट्रेन है वो ग्रेडियंट पे है तो हमारी स्पीड कभी इंक्रीज होती रहेगी और कभी डिक्रीज। ना आप देख सकते हैं आगे कोई ट्रेन भी खड़ी है एंड वो है 12629 कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो इसी की वजह से हमें जो है लूप लाइन में डाला गया है। अभी हम लूप लाइन में जाएंगे देन इसको क्लियरेंस दिया जाएगा तो ये यहाँ से डिपार्ट कर देगी। एंड इट्स विद इटारसी वेफोर। वाह वैसे हमारा कोच यार आते ही यहाँ पे डांस करने लगा लगता है, इसको सीजर क्रॉसिंग पसंद आ गई। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आगे जो है डेंडेंड है तो हम ज़्यादा स्पीड एक्सीड नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी ट्रेन आगे से मतलब खाई में गिर जाए। खाई मतलब गाइस वहाँ पे थोड़ा माउंटेन टाइप का है जो हमारी ट्रैक है आगे जाके वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है। अगर हमने ब्रेक्स लगाए तो हमारी ट्रेन आगे जाके गिर भी सकती है। दोनों ओपन रेल्स गिरने देगा या नहीं। वाओ गाइस लवली सीन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इस कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को यहाँ से जाने की जो है परमिशन मिल गई। ओ भाई आज तो अपनी ट्रेन गई। अरे बाप रे भाई चले गए, बच गए हम। जहाँ तक है दोनों हमारी ट्रेन का क्या हाल हुआ है, हमने जो है अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि जब हम वीडियो बना रहे हैं और कमेंट्री कर रहे हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट जब हम गेम खेलें तब जहाँ तक है हम अपनी ट्रेन को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑटो पायलट पे ही कंट्रोल करिए। तो चलिए जैसे कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ मैं किस ग्रेडियंट की बात कर रहा था। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आगे जो है डेड एंड है। अब यहाँ से हमें अपनी रेक पीछे करनी पड़ेगी और जब वो ट्रेन जो है ये लाइन क्लियर कर देगी तब हमें यहाँ से जाने की परमिशन मिल जाएगी। एंड हमारे इमरजेंसी ब्रेक्स लग चुके हैं, उन्हें रिलीज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+M। एंड हमारे जो है इमरजेंसी ब्रेक्स भी रिलीज़ हो गए हैं। अरे भाई अभी ट्रेन नहीं बढ़ानी भाई, रोक दो, हमें वापस लेके जानी है यार। रिवर्स में अपना लगाया हमने रिवर्सर एंड यहाँ से अब बैक करेंगे अपनी ट्रेन को। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कर्नाटका संपर्क क्रांति पीछे जा रही है अपने वे की तरफ। इसका भी यहाँ पे TSR लगा होगा जहाँ तक है। भाई अपनी ट्रेक जल्दी से पीछे करो, ऐसा काफ़ी टाइम हो गया हमें, हमने अभी तक सीजर क्रॉसिंग ही क्रॉस नहीं की। दौंड स्टेशन तो अभी भी 50 किलोमीटर समथिंग यहाँ से बचा है। चलिए गाइस रिवर्स करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि अपनी ट्रेन जो है इस पर जो वो डेड एंड था उसमें ना ठोकें। वैसे गाइस अगर ऐसा रियल में हो जाता तो लोको पैलेट्स को पक्का थोड़ा बहुत तो यह डांट पड़ती या फिर सस्पेंड होने के चांसेस हो सकते हैं।
दिखाओ यार, ये भैया क्या हमें सिग्नल दे रहे थे कि आप पीछे जा सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो ये सिग्नल है अपोजिट साइड का, जो अपोजिट ट्रैक है उसका अप्रोच हो रखा है। चलिए देखते हैं आप कौन सी ट्रेन आती है। अच्छा यार, हमें सीजर जो रूट लाइन थी वहाँ पर डला दिया, तो दो क्रॉसिंग्स करोगे, ठीक है बात भैया। भले ही JLM एक्सप्रेस का आज बुरा दिन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से उसे डीजल लोकोमोटिव दिया गया है ऑफ लाइन, बट ये थोड़ी ना हुआ कि तुम उसकी यार पूरी बेइज्जती कर दोगे। चलिए गाइस अब ब्रेक्स लगाना शुरू करते हैं, वरना इस बार भी यार हमारी ट्रेन चली जाएगी और हमें इमरजेंसी ब्रेक्स यूज़ करने पड़ेंगे। एंड आई थिंक गाइस सम फ्रेट ट्रेन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस। एंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे जो रिवर्सल पॉइंट है वो ग्रीन हो चुका है, तो अब हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं अपनी ट्रेन। बट समहाउ अभी हमें सिग्नल नहीं दिया जाएगा, एस कोई फ्रेट ट्रेन जो है हमारी वे ब्लॉक करके बैठी है। एंड आई गेस इट्स सम WDG4, डोंट नो भाई कौन सी ट्रेन होगी। यार जल्दी जाओ, हम वैसे ही यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुके हैं। एंड इट्स भगत की कोठी WDG4 विथ बॉक्स एन एच एल रेक। अरे यार अभी फ्रेट ट्रेन अपनी स्पीड रिड्यूस क्यों कर रही है। आई थिंक गाइस कर्नाटक का संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्टिल जो है वे क्लियर नहीं करा है उसने पूरा। भाई इतने भी क्या ब्रेक्स लगाने यार, जल्दी जाओ हमें भी यहाँ से जाना है। चलिए गाइस आई गेस इसको भी सिग्नल मिल गया एक और जाने का। भाई जल्दी जाओ हमें भी जाना है। यार ये तो खाली फ्रेट ट्रेन है। चलिए कहीं ना कहीं अपना कोयला जो है उतार कर आ रही होगी। एंड चलिए अब हम रेडी रहते हैं स्टेशन से डिपार्ट करने के लिए। एंड गाइस हमारी अब वीडियो भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इस काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलिए हमें भी सिग्नल मिल चुका है यहाँ से डिपार्ट आउट करने का।
सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जो एक्टिविटी का बाकी का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। अब इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो। आप इसका रिगार्डिंग कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, ये एक्टिविटी जो है कुछ ही दिनों में मैं पब्लिश करने वाला हूँ। ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये एक्टिविटी मैं पब्लिक रिलीज करूँगा ऑन trainsim.com। बट जिनके पास कंडेस्ट रूट है वही सिर्फ इस एक्टिविटी को खेल सकते हैं। सो गाइस, अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय और टेक केयर। मिलता हूँ हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में।